तो रूल ये है आपको ये तस्वीर करने के लिए कि पहले आपको एक पेपर के अंदर आंसर लिखना होगा और दूसरा आपको ये ये फाइनल करना होगा कि आपको टेंसेज ऑलरेडी आते हैं यदि आपको नहीं आते हैं या के एमसीक्यूज आपने सॉल्व नहीं किए प्रैक्टिस नहीं किए तो ये आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है ओके तो पहला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड अभी आपको यहाँ देखना है कि मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यहाँ पर वर्ब फिल करनी है तो सब्जेक्ट तो वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाए अब यहाँ आपको ये यह होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है तो देखो द क्वालिटी ऑफ द ओके ओवरऑल हम इसे ही सब्जेक्ट मानते हैं ठीक है बट आप ही देखोगे कि मैंगोव जो है ना वो प्रायर सब्जेक्ट नहीं है यानी मैंगो यहाँ पर मैंगोव uh, की बात नहीं की जा रही यहाँ पर मैंगो की क्वालिटीज की, की बात की क्वालिटी की बात की जा रही है इट इज नॉट बींग सेड दैट मैंगो Are not good or mangoes are good. ये देखो मैं यहाँ पर यदि एक स्लैश लगा के पीछे वाला पोर्शन कट कर देती हूँ तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो द मैंगोज गुड द मैंगोज वर नॉट गुड बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द क्वालिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज तो बताओ यहाँ पर क्या यूज करोगे आप क्वालिटी के हिसाब से यदि आप वर्क फॉर्म लगाओगे तो एक सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी है सिंगुलर है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज नॉट गुड वॉज नॉट गुड सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम कभी uh, कोई भी वर्ब लगाते हैं तो वहां पर आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो नंबर या पर्सन है ना सिंगुलर प्लूरल में देखना है आपको कि वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ओके okay? okay the introduction of tea and coffee and such other beverages not been without some effect ab yahan par bhi aapko dekhna hai introduction of tea coffee and other things to bahut sare noun uh, दिख रहे हैं आपको यानी कि आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लूरल एस जैसा कि मैंने कहा कि आपको देखना है सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन ओके सो द इंट्रोडक्शन ऑफ अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक ले सकते हैं कि जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और जिसके अंदर ऑफ दिया हुआ है तो आपको ऑफ से पहले वाला पॉइंट देखना है द इंट्रोडक्शन आपको देखना है कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्लूरल है या सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वी विल पुट द वर्ब हियर ना कि टी कॉफी और अदर थिंग्स की क्यों क्योंकि यहाँ पर ये यह बात कर रहा है इन सब का इंट्रोडक्शन सो दैट इज सिंगुलर

तो ये बीन जो है वो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ऑब्वियसली फिर इसके साथ हमें participle form, means has, करना होगा so, beverages has not been without some effect. Clear? क्या होता है ना कि जो वर्ब है वो एज पर नाउन और नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ओके ना कि प्रॉपर सब्जेक्ट जो कि आप पूरा सब्जेक्ट देख रहे हो ओके okay? नेक्स्ट हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलस फार बियॉन्ड द कॉमन ओके नाउ इफ आई गिवन यू दिकॉ हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर आपको देखना है कि आपका प्रायर सब्जेक्ट क्या है इंडियन वर्नाकुलर और नॉलेज सेंटेंस बात कर रहा है हिज नॉलेज उसकी नॉलेज जो है ना वो बियॉन्ड द कॉमन ओके तो यू नीड टू सी दैट नॉलेज इज संग सो विल बी यूजिंग something which is is, singular. Paraculars for beyond the common is, was, have either a or b. इज have हम use नहीं करेंगे क्योंकि subject हमारा singular है तो हम यहाँ पर कोई सिंगल वर्ब use करेंगे इज भी सिंगुलर है वॉज भी सिंगुलर है सो आर करेक्ट आंसर इज इधर ए बी आप दोनों तो एक साथ फिट नहीं कर सकते तो दोनों से कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर precious मेटल तो क्या ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर जब भी आप दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन को ज्वाइन करते हो किससे से ठीक है एक और दो दो है यहाँ पर दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को जब आप ज्वाइन करते हैं सिंगुलर ठीक है गोल्ड भी सिंगल एंड सिल्वर भी सिंगल तो ज्वाइन करते हैं तब जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी ठीक है तो यहाँ पर इज़ आर एम एंड वॉज सिंगुलर है एम भी सिंगुलर है एंड वॉज भी, भी. तो आपके पास का एक बस्ता है आर गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसिस मेटल क्लियर नेक्स्ट ही एंड आई प्लेइंग अगेन द सेम रूल यू हैव एंड हियर यू हैव उन अनादर प्रोनाउन दो प्रोनाउन अब रीड करके लोग सोचते हैं अकॉर्डिंग टू दीमेंट कि जब आप दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन तो ही एंड आर इज अर प्रोनाउन तो इन इनकी जगह पर आपको क्या करना है प्लूरल वर्ब फिल करनी है और प्लुरल वर्ब हमारे पास है सिर्फ आर ओके so this is wrong and this is is wrong wrong and 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 he I are playing okay confusing question your father and mother at home very simple क्वेश्चन तो जब क्वेश्चन होता है तो क्या होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है ठीक है तो आपको देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है योर फादर एंड मदर फादर एंड मदर दो नाउन है जो कि एंड से कनेक्टेड है आपका जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए प्लूरल तो आपको देखना है कि इसमें प्लूरल क्या है इज सिंगुलर वाज सिंगुलर करेक्ट आंसर इज आर ओके आर योर फादर एंड मदर एट होम क्लियर नेक्स्ट फायर एंड वॉटर नॉट अग्री फायर एंड वॉटर नॉट अग्री अगेन यू हैव फायर वन नाउन वॉटर अनदर नाउन एंड आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ना वर्ब चूज करना है एंड वर्ब शुड बी रूडल क्योंकि ये दो डिफरेंट नाउन है सिंगलर नाउन जो कि एंड से जुड़े हुए ओके फायर एंड वॉटर टू नॉट अग्री ओके नेक्स्ट इन हिम सेंटर्ड द लव एंड देयर एम्बिशन अब यहाँ पर आप देखोगे दो चीजें ठीक है दो चीजों में क्या क्या है एक है देअ लव दूसरा दे एम्बिशन तो दीज आर कौन सा नाउ नहीं ये दोनों एबस्टिक नाउ सो कनेक्टेड विथ एंड तो आप यहाँ पर अगेन प्लुरल वर्ब यूज करोगे और आंसर आप अपना कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओके okay? नेक्स्ट टाइम एंड टाइड फॉर नन अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है जस्ट बिकॉज अभी हमने रूल देखा कि जब दो नाउ कनेक्ट होते हैं एंड से तो हम यूज करते हैं प्लूर बट यहां ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी नाउन यहाँ पर दो नाउन है टाइम और टाइड दो नाउन है यदि जो नाउन्स हैं वो एक एक आइडिया एक माइंड को रेफर करते हैं जैसे टाइम एंड टाइट तो क्या कर रहे हैं कि एक चीज को रेफर कर रहे हैं कि टाइम भी एक जैसा ही है और टाइट भी एक जैसा है दोनों किसी के लिए नहीं रुकते ठीक है तो जब दो चीजों को या दो नाउन को या दो से ज्यादा नाउन को यदि एक जैसा आइडिया बताया जाए है ना एक आइडिया में काउंट करते हैं हम तब हम यहाँ पर और रेफर भी सेम पर्सन या सेम चीज को हो रहा है यहाँ पर ठीक है तो हम यहाँ पर प्लूरल की जगह सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन ओके मोस्टली व्हाट वी डू वी डू की एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे बट जब एक आइडिया देता है तब आपको लिखना है वेट्स फॉर नन तो यही ट्रिक की वो क्वेश्चन uh, है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर अगेन आपको देखना है एंड है और यदि हम बात करें एक घोड़ा और एक गाड़ी दरवाजे पर है पर घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलके क्या बन जाता है एक चीज बन जाती है घोड़ा गाड़ी ओके तो हॉर्स एंड कैरीज आर नहीं होगा हैव नहीं होगा हैज uh, यहाँ पर कोई वर्ब के साथ कनेक्ट हो नहीं रहा है इज एट द डोर ओके क्योंकि घोड़ा और गाड़ी जो है वो एक ही चीज है ठीक है दे आर नॉट टू टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ब्रेड एंड बटर हिस्स ओनली फूड अब यहाँ पर देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा वैसे देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही कम एग्जाम्पल्स हैं जो कि अः इस क्वेश्चन में सेट बैठते जो एग्जाम में आ रहे हैं सिमिलर लेकिन फिर भी आइडिया को माइंड में कैसे आप चेक करोगे जैसे ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं तो दिख रहा है ब्रेड अलग चीज है बटर अलग चीज लेकिन जब आदमी खाएगा तो ब्रेड को अकेले नहीं खाएगा उसको बटर के साथ खाएगा तो ये क्या हो गया है एक कॉम्बो हो गया ब्रेड एंड बटर ओके तो ब्रेड एंड बटर एक सेम आइडिया सेम चीज की बात करते हैं तो हम यहां पर वर्ब सिंगलर यूज करेंगे ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड क्लियर नेक्स्ट ऑनर एंड ग्लोरी हिज रिवॉर्ड अगेन एंड यहां पर कनेक्टेड है बट आपके पास है ऑनर एंड ग्लोरी दोनों ही क्या है एक ही चीजें ठीक है एक ही चीजें मीन्स वो उसके स्टेटस को या फिर उसकी उसको उसकी डिग्निटी को दिखा रहा है तो ऑनर एंड ग्लोरी बोथ आर द सेम थिंग सेम आइडिया इज हिज रिवॉर्ड आर नहीं अलग अलग नहीं मिलेगा वो उनको ऑनर मिलेगा तो ग्लोरी अपने आप मिल जाएगी ग्लोरी मिलेगी तो ऑनर अपने आप मिल जाएगा तो ये दोनों क्या है एक ही है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ठीक है, राइज एंड फॉल ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा टाइड इंग्लिश में तो राइज एंड फॉल अब ये क्यों एक चीज है क्योंकि जब राइज होगा तो उसके तुरंत बाद फॉल होगा ऐसे नहीं कि सिर्फ राइज यानी ऐसा कभी नहीं होता टाइड की आ, जब आ, हाई वेव्स है या राइज हो रहा है तो फिर वो डाउन नहीं जाएगी ओके तो राइज एंड फॉल जो है ना वो एक कंटिन्यूस राइज फॉल राइज फॉल तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टाइड की ये होगा तभी टाइड होगा टाइड को हम तभी तभी काउंट करते हैं जब राइज एंड फॉल साथ में हो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ड्यू टू लोनर इन्फ्लुएंस तो आर नहीं होगा वर्ड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है तो हमें यूज करना होगा इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस क्लियर नेक्स्ट द नोवलिस एंड पोएट डेड अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये भी तो हो सकता एंड से दो नाउन कनेक्टेड है नॉवलिस्ट है और पोएट है तो ये भी हो सकता है कि नॉवलिस्ट कोई और है और पोएट कोई और है हुँ? ऐसा कैसे स्योरिटी आपको पता चलेगा कि नॉवलिस्ट और पोएट है जो एक ही है आपको उसके पास ये देखना होगा कि यहाँ लिखा हुआ है द नावलिस्ट ओके जब आपको दूसरे पोएट की बात करनी है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा द पोएट यदि आप लिखते हैं द नास्ट एंड द पोएट तब आप यहाँ पे प्लूरल काउंट करोगे और आर यूज करोगे ओके बट यहाँ पर नॉवलिस जो है वो क्या है सेम बंदा है जो पोएट भी है द नॉवलिस एंड पोएट वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन वन पर्टिकुलर पर्सन जो नॉवल भी लिखता है और वो पोएम भी लिखता है नॉवलिस एंड पोएट इज डेड ठीक है और यदि द नॉवलिस एंड द पोएट आर डेड क्लियर नेक्स्ट

ओके okay? पर सिंगलर वर्ब यूज करेंगे हम क्योंकि यहाँ पर हाउस को हमने और किया है उनकी चीजों के साथ बट रूल और लॉजिक क्या है जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें आपको दिखे कि सब्जेक्ट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से यानी कि कनेक्टेड है विथ ओके okay? या फिर आप कह सकते हो विथ के अलावा आपको उसमें मिले एज वेल एज ओके एज वेल इज से भी यदि वो कनेक्टेड है तो भी आप उसको सिंगुलर काउंट करोगे क्लियर इफ इट इज कनेक्टेड बाई विज तो फिर आप उनको क्या करोगे सिंगलर काउंट करोगे उसके साथ वर्ग जो है ना वो सिंगलर यूज हो द हाउस विद इट्स कॉन्टेन्ट वॉज इनशर क्लियर नेक्स्ट

गुड इनकम प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ड्स हैं सिंगलर सब्जेक्ट के वो ज्वाइन है विद से या फिर एज वेल एज से तब हम उनको पैरेंटिकल बोलते हैं और उस केस में वो सिंगुलर होंगे ओके okay? एज वेल एज कॉटन इज अ गुड इनकम प्रोडक्ट ओके ना कि नूक और कॉर्नर लेफ्ट अंडन नो नूक और कॉर्नर कोई भी कौन नहीं छोड़ा सारा खत्म कर दिया तो कैसे देखोगे आप इस चीज को दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट ओके यदि वो कनेक्टेड है किससे और से नॉर से है ना और या फिर नॉर से कनेक्टेड है तो फिर हम यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर पुट करेंगे नो नुक और कॉर्नर वॉज इज लेफ्ट अंडर रूरल वर्ब में हमारे पास वर उसको हम कैंसिल कर देंगे तो जब भी कोई दो सब्जेक्ट्स हैं दो नाउन हैं एक सब्जेक्ट के वो कनेक्टेड है बाय और या फिर यहाँ पर नॉर भी हो सकता था तब आपको यहाँ पर सिंगल वर्ब यूज करनी है क्लियर नेक्स्ट नीदर फूड नो वॉटर टू बी फाउंड देयर सिंपली यू हैव नो हेयर तो आपको यहाँ पर सिंगल वर्ब फिल करनी होगी तो आपको ये भी देखना है कि इसमें क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक को समझो एंड ऑल। तो कुछ ट्रिक्स भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है आपके आंसर को करेक्ट करने में नीदर फूड नो वॉटर अब यहाँ पर नॉर्थ दिया हुआ है तो आपको क्या करना है सिंगलर यूज करना है ना ही तो सिंगलर में आपके पास है यहाँ पर वॉस बाकी सब टूर ओके ग्रेट

तब हमें क्या करना है ये जो वर्ब है ओके okay? जब या और से कनेक्टेड हो तो ये जो वर्ब है वो अभी तक हमने देख रहा था कि वो क्या होनी चाहिए थी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इट शुड बी सिंगुलर ओके नीदर फूड नो वॉटर वॉज टू बी फाउंड देयर ओके बट हमें इस केस में क्या देखना है कि यहाँ पर एक जो है ना चेयरमैन तो सिंगुलर है लेकिन डायरेक्टर्स जो है ना वो प्लूरल है है ना डायरेक्टर्स प्लूरल है तो अब हम सिंगुलर या सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे बल्कि हमें देखना होगा कि जो इस वर्ब के यानी इस फिल इन द ब्लैंक के जो नियरेस्ट वाला नाउन है यानी कि डायरेक्टर तो ये डायरेक्टर जो है वो प्लूरल है तो एज पर दिस द नियरेस्ट वन हमें वर्ब फॉर्म भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी क्लियर और, और के साथ दो सब्जेक्ट दो नाउन जुड़े हुए हैं यदि वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन दोनों में से एक भी प्लूरल है तब हमें जो फिलिंदर ब्लैंक है इसके पास वाला देखना होगा जो फिलिंदर ब्लैंक के पास वाला है वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है Okay. तो एज पर दिस डायरेक्टर्स प्लूरल है फिल इन द ब्लैंक के पास में यानी वर्ब इसके जस्ट बाद में आने वाली है तब हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब फिल करेंगे so, with this, we have covered some of the MCQs or सिर्फ MCQs ही नहीं uh, my purpose is to give you the details about द rules also तो एमसीक्यूज के साथ ये पढ़ने में थोड़ा इजी रहता है समझने में अच्छा भी लगता है और कंफर्टेबल है इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और समथिंग यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ क्वेश्चन यू मेड करेक्ट और क्या आपको रिक्वायर्ड है इन फ्यूचर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी इन द नेक्स्ट गुड बाय